दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वो 98 वर्ष के थे। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ा था। दिलीप कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता था कि उन्हें काफ़ी वक्त से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग नाम से मशहूर रहे दिलीप कुमार ने कई यादगार फिल्में की। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम मोहम्मद यूसुफ रखा गया था। उनके पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए थे, जहां बाद में चलकर दिलीप कुमार ने अपने अभिनय का सिक्का जमाया। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ से बदलकर दिलीप कुमार कर दिया था, ताकि उन्हें हिंदी फिल्मों में ज़्यादा पहचान और सफलता मिल सके। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो साल 1944 में आई थी, लेकिन साल 1949 में बनी फिल्म अंदाज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। साल 1955 में उन्होंने देवदास फिल्म में ऐसी अदाकारी की कि लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग कहने लगे। उसके बाद मुगले आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी और साल 2004 में इसे रंगीन बनाया गया। दिलीप कुमार लगभग 1998 तक फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे। उन्होंने विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसी हिट फिल्में दी। दिलीप कुमार के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने साल 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की। उन्हें साल 2000 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नामित किया गया था। 1995 में उन्हें फिल्म जगत में यादगार योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, साल 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज भी प्रदान किया गया।